आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चंस एंड आंसर्स टाइप के आपको बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है, 750 ग्राम भार वाले एक बल्ब को 3500 ग्राम वजन वाले ब्लॉक को खींचना है, घर्षण का गुणांक क्या है? यानी घर्षण का गुणांक आपको सूत्र पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो क्या करते हैं, पहले इसे 750 में 3500 से भाग देते हैं। अगर आंसर आ जाता है हमारा तो हम उसी को टिक मार देते हैं, अगर नहीं आता है तो आपको सूत्र पता होगा। सूत्र क्या है इसका? म्यू बटा एफ बटे आर। तो इस सूत्र से लगाएंगे तो निकल जाएगा, तो यानी पहले 750 भागे 3500 देंगे तो ये आंसर आएगा। दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है, एनर्जी मीटर तथा मूविंग क्वायल उपकरण में निम्न में से कौन सा एक चुंबक प्रयोग किया जाता है? कौन सा चुंबक प्रयोग किया था मूविंग क्वायल में? ये स्थायी चुंबक, हमेशा स्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, बिजली की आयरन तथा बल्ब की बिजली का प्रभाव है हीटिंग प्रभाव, मतलब जी बिजली का जो आयरन होता है वो बल्ब की बिजली का प्रभाव यानी जो उसका प्रभाव पूछा है वो हीट करता है, जो भी आयरन हो वो हीट करता है, यानी हमारा सी आंसर है हीटिंग प्रभाव। चौथा क्वेश्चन है, एक ट्यूब लाइट के सर्किट में चोप का कार्य है? आंसर है, जो फ्यूज लाइट होता है, ट्यूबलाइट होता है, उसके सर्किट का चोप क्या कार्य होता है? तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, यानी उसके हाई वोल्टेज, उच्च मतलब हाई वोल्टेज को प्रेरित करता है, जैसे होता है हमारा बी आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, सामान्य औद्योगिक पावर आपूर्ति प्रणाली में फंसी फेसों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 3, हमेशा 3 फेस होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री को वरीयता दी जाती है? आंसर क्या है? एल्विको, एल निको, एल निको, आंसर है एल निको। सातवां क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता को निम्न में व्यक्त किया जाता है? आंसर है OHM, ओम या वोल्टेज। आठवां क्वेश्चन है, बिजली की आयरन मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध है? आंसर है 750 वाट। नवा क्वेश्चन है, छत के पंखे के सर्किट में प्रयोग किया जाने वाला रेगुलेटर का कार्य है, यानी जो छत में प्रयोग रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं क्या कार्य है? पंखे पर लगाई गई वोल्टेज को ड्रॉप करना, आंसर है बी। दसवां क्वेश्चन है, यदि सर्किट में 18 वोल्ट का वोल्टेज हो और इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो सर्किट का करंट की गणना कीजिए, तो आंसर है 3। अब इसे कैसे करेंगे, तो इसका क्या उपाय है, इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। ये I बटा क्या होता है, I इक्वल टू वोल्टेज बटा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए।
तो वोल्टेज ये है और रेजिस्टेंस ये है, तो इसको भाग हम 6 से भाग, इसको हम इससे काटेंगे 6 * 18, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। ग्यारहवां क्वेश्चन है, किसी घर में बिजली के निम्न उपकरण प्रयोग किए जा सकते हैं। 100 वाट वाले 6 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे तक एक दिन के बिजली के बिल की गणना किलोवाट आवर्स में कीजिए। अब क्या करेंगे, एक ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर आंसर ज्ञात करना है तो पहले आप ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो पहले क्या करेंगे, इन तीनों में हम गुणा कर देंगे, 100 * 6 * 10, यानी इसका ये पूरा एक रेशियो निकल जाएगा। निकलने के बाद हमारा 6000 हो जाएगा। 6000 से हम जब 1000 से भाग देंगे तो हमारा आएगा आंसर 6 किलोवाट। 12वां क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु से तार बनाए जा सकते हैं को के नाम से जाना जाता है। नाम है तन्यता। इसके लचीलापन अधिक होता है, जिसे इसको खींचकर हम एक तार के अनुसार बना सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, किसी भी धातु के स्क्रैचिंग, घिसावट आदि का प्रतिरोध करने की क्षमता को कहते हैं हार्डनेस। क्या कहते हैं, हार्डनेस। चौदहवां क्वेश्चन है, पॉकेट रेगुलेटर में सीई किस कार्य के लिए उपयुक्त उपलब्ध होता है। आंसर है बी, केवल प्रविष्ट को क्लियर करने के लिए। पंद्रहवां क्वेश्चन है, गणना करने से पहले कैलकुलेटर की ऑन की दबाने पर इसमें डिस्प्ले में दिखाई देता है। ये तो आप सभी जानते होंगे, शून्य। जब कैलकुलेटर को हम ऑन की दबाते हैं तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 1 1 और 0 0 से होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 16वां क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिसके कारण यह लगाए गए बल को रिलीज करने के बाद अपने मूल आकार में वापस आ जाता है को नाम से जाना जाता है लचीलापन। 17वां क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके कारण यह बिना किसी टूट फूट के इसे सभी दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है को नाम से जाना जाता है मेलियाबिलिटी। 18वां क्वेश्चन है, एक मोटर के शाफ्ट पर लगी हुई 150 mm व्यास वाली पुली 1440 RPM की दर से चलती है। ग्राइंडिंग व्हील के साथ जुड़ी हुई पुली का व्यास बताइए जो कि 2400 RPM की गति से चल रही है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, इसका N1 / N2 इक्वल टू D2 / D1, ऐसे निकालने के बाद N1 हो जाएगा हमारा N1 ये, और N1 2 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद D2 D2 और D1 ये हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब 1400 × 150 1400 × 150 / 2400, यानी 1440 / 150,
बटा 2400 करेंगे तो हमारा आएगा ये आंसर। आप करके देख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन है, हाथ की ड्रिल मशीन में ड्राइविंग मोटर 36 RPM की गति से चलती है और ड्राइव को 8 और 32 दांतें वाले गियर व्हील के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। 8 दांतें वाला गियर मोटर के शाफ्ट पर ड्रिलिंग स्पिंडल के आरपीएम का निर्धारण कीजिए। तो हम इसको क्या करते हैं, अब देखिए 36 और 8 दिया हुआ है और 8 दांतें दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर कहीं 32, यहाँ देखिए 32 दिया हुआ 32 दांतें, तो क्या करते हैं 36 × 8, ये ट्रिक है, × 32। आप इस तरह से आप कर सकते हैं, करने के बाद ये 900 आएगा आंसर। आंसर है डी 900। 20वां क्वेश्चन है, एक तार की क्वायल के बीच से करंट पास कराने पर क्वायल के चारों ओर एक चुंबक क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यदि करंट को ले जाने वाली तार को क्वायल में एक सॉफ्ट लोहे के टुकड़े को रख दिया जाता है तो लोहे के टुकड़े का भी चुंबक बन जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, आंसर है इलेक्ट्रो चुंबकीकरण। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो चुंबकीकरण। 21वां क्वेश्चन, सामान्य प्रयोजन के अनुप्रयोग में आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। आंसर है कार्बन प्रतिरोध। 22वां है, सोल्डरिंग की सही विधि है। आंसर है डी सॉरी बी, जोड़ को गर्म करना और सोल्डर को गलाना। 23वां है, किसी डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। दो। 24वां क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र इसके आधार से कितना हो